जितना भव्य और खूबसूरत हमारा देश है, उतनी ही प्राचीन और प्रभावशाली हमारी संस्कृति है। विविधता में एकता का हमारे देश से बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। ऐसी ही एक समृद्ध संस्कृति का उदाहरण है अंग प्रदेश। आज के दौर में बिहार, झारखंड और बंगाल के हिस्सों में बट चुका अंग प्रदेश एक समय व्यापार, साहित्य एवं कला के लिए लंका तक प्रसिद्ध था। बांस, जूट और कागज से बनी मंदिर रूपी आकृतियां, जिनमें देवी देवताओं तथा अन्य पात्रों की छवि अंकित की गई हैं, उन्हें पौराणिक मंजूषा कहते हैं। मंजूषा का उपयोग विषहरी पूजा में किया जाता है। विषहरी पूजा अंग प्रदेश का प्रमुख पर्व है। इस पूजा के संदर्भ में एक बहुचर्चित लोक गाथा प्रसिद्ध है। एक बार भगवान शिव की जटा से स्नान करते वक्त 5 बाल तालाब में गिर गए, जो मनमोहक कमल फूल का रूप लिए, और इन कमल फूलों ने 5 मानस पुत्रियों का रूप लिया, जो कि मैना, दितिला, जया, पद्मा और विषहरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये मानस पुत्रियां किशोरा अवस्था में माता पार्वती के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने पिता भगवान शिव के पास पहुंची और शिव के सामने स्वयं को मृत्युलोक में पूजनीय बनने का प्रस्ताव रखा। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि अगर मेरे अनन्य भक्त चंद्रधर, जो कि अंग प्रदेश के चंपा नगर के सुप्रसिद्ध सौदागर हैं, वे तुम्हें पूजा दें तो तुम लोग मृत्युलोक में पूजनीय हो जाओगे। भगवान शिव के इन कथनों को सुनकर पांचों बहनें प्रसन्न होकर चंदू सौदागर के घर पहुंचती हैं, किंतु हठी चंदू सौदागर अपने आराध्य भगवान शिव को त्याग कर किसी और की पूजा करने को तैयार नहीं होता और अपशब्दों का उपयोग कर उन्हें अपने घर से निकाल देता है। चंदू सौदागर का सुखी एवं संपन्न परिवार था, जिसमें उसकी धर्मपत्नी तथा उसके 6 पुत्र पुत्रवधु साथ रहते थे। कुपित विषहरी ने चंदू सौदागर के 6 पुत्रों को मारकर एवं उनके व्यापार को नष्ट कर अपने अपमान का जवाब दे दिया। लेकिन हठी चंद्रधर ने विषहरी को पूजा के योग्य ना समझा और भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रधर को एक बहुमुखी प्रतिभावान पुत्र दिया। इस बालक का नाम बाला लखेंद्र रखा गया, जिसकी शादी रूपवंती एवं गुणवंती बिहुला के साथ की गई। लाखों प्रयत्न भी विषहरी के प्रकोप से बाला लखेंद्र को बचा ना सके और शादी की रात में ही लखेंद्र की मृत्यु हो गई। शोक संतप्त बिहुला अपने मृत पति से दूर ना होने की हट करने लगी तथा उसने ये निश्चय किया कि वह अपने पति के प्राण वापस लाएगी। अपने पति का शव और मंजूषा नाव में लेकर गंगा की पूर्व दिशा की ओर निकल गई। अनेक प्राणघातक विघ्नों को बड़े ही सूझबूझ से पार करती हुई एक ऐसी घाट पे पहुंची जहां धोबन कपड़े धो रही थी। उसका बच्चा उसे बहुत तंग कर रहा था। अपने बच्चे की उद्दंडता से परेशान होकर धोबन बच्चे को मारकर चैन से कपड़े धोने लगती है और फिर पानी की कुछ बूंदें छिड़क कर उसे पुनः जीवित कर देती है। बिहुला इस आश्चर्यजनक दृश्य को देख हतप्रभ हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि यही उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। सती बिहुला अपने पति तथा उनके 6 भाइयों के प्राण वापस ले आती है, इस शर्त पे कि वे अपने ससुर चंद्रधर से उनकी पूजा दिलवाएगी। बिहुला ने समाज के अनगिनत प्रश्नों का जवाब देने के लिए अपनी मार्मिक कहानी मंजूषा पे अंकित कराई थी। यहीं से विश्व प्रसिद्ध मंजूषा कला का जन्म हुआ और ऐसा माना जाता है कि विश्व की पहली चित्रकथा मंजूषा कला है। मंजूषा चित्रकथा और विश्व का ये फर्स्ट पिक्टोरियल आर्ट है। आज विश्व साहित्य में कहीं पर भी ये कोई उदाहरण नहीं है कि किसी गाथा का या किसी कहानी का या इवन रामायण और महाभारत को चित्रकथा में बनाया गया हो, इसे कोई उदाहरण नहीं। तो पहला उदाहरण ये मंजूषा है।
मंजूषा कला आज के दौर में सिर्फ विषहरी पूजा तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसने अपने पंख व्यवसायिकता की ओर पसार लिए हैं। आज ये कागज से उठकर मूर्तिकला, गृह सौंदर्यीकरण, जूट तथा चर्म उद्योग जैसे समकालीन कला उद्योग तक आ पहुंची है। इसका श्रेय राष्ट्रीय दर्जे पर कई पुरस्कारों से सम्मानित स्वर्गीय श्रीमती चक्रवर्ती देवी को जाता है, जिसकी दूरदर्शी सोच ने मंजूषा कला को पुनर्जीवित किया। मुख्यतः मंजूषा कला के पात्रों का चित्रांकन अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स नुमा रूप में होता है। चेहरा एक बगल में मुड़ा, एक बड़ी सी आंख और नुकीली नाक होती है। इसमें टेढ़ी मेढ़ी सर्पाकार रेखाओं का संयोजन होता है। इनमें सिर्फ तीन रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल, हरा और पीला। मंजूषा कला ने कई रंगमंच के कलाकारों को प्रेरित किया है तथा उसका नाट्य रूपांतर अंगप्रदेश में काफी प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ लोकगीत का भी प्रचलन है। वर्तमान समय में मंजूषा कला ने अपना किवंदिती रूपी अवतार त्याग कर एक व्यवसाय का रूप भी ले लिया है। पुराने दिनों से मंजूषा की खरीद बिक्री का कारोबार चला आ रहा है। हमारा नाम राजेंद्र मला का नाम है, उसके बाद फिर हमारा पूर्वज से पहले से ही मंजूषा कलाकारी जो है करते हुआ रहा, हम लोग सब भी इसी का बिजनेस करते हैं, मंजूषा बनाते हैं, आप बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। अब कलाकारों ने मंजूषा कला से प्रेरित होकर कई कलाकृतियों को जन्म दिया है, जो कि न सिर्फ मंजूषा कला से संपूर्ण विश्व को अवगत करा रही है बल्कि कलाकारों की आर्थिक स्थिति बेहतर बना रही है। मेरा नाम कुमार संभव है, मैं मंजूषा आर्टिस्ट हूँ। मेरा मूल सब्जेक्ट है मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला पे ही अभी हम वॉल हैंगिंग, टेबल क्लॉथ पे काम कर रहे हैं, पेन स्टैंड बना रहे हैं, आपका वॉल हैंगिंग है, और भी बहुत तरह के सामान अभी तैयार किए जा रहे हैं। काफ़ी मांग है इसकी। अभी हम लोग नेल एंड थ्रेड पर, यानी कि कांटी और धागे पर, उस पर मंजूषा तैयार किए हैं और काफ़ी मात्रों में हम उसे बेचे भी हैं। मेरे देश विदेश में भी मेरी पेंटिंग काफ़ी बिकी है, और अभी भी जो कलकत्ता से इधर ऑर्डर आया है और हम उस पर काम कर रहे हैं। इन वाणिज्य की वस्तुओं ने आम लोगों के बीच काफी कौतूहल पैदा किया है। अंग प्रदेश, जो रेशमी कपड़ों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ के व्यवसायी इन कपड़ों पर भी इस कला को उकेरना चाहते हैं। भागलपुरी सिल्क, जिसकी की अपनी एक पहचान है, लेकिन अगर इसके साथ मंजूषा पेंटिंग्स अगर जुड़ जाती है तो ये एक विशेष पहचान जो है पूरी दुनिया में मंजूषा पेंटिंग्स की और भागलपुरी सिल्क की मिल करके एक नई चीज क्रिएट हो सकती है, एक नया क्रिएशन हो सकता है। कि जैसे मैं आपको बताऊं कि अब जैसे ये भागलपुरी सिल्क है, अब ये भागलपुरी सिल्क की साड़ियां बनती तो भागलपुर में है, लेकिन फिर ये पेंटिंग होने के लिए कलकत्ता, बनारस, बेंगलोर, दिल्ली और पता नहीं देश और दुनिया के किस किस कोने पर जा करके पेंटिंग्स हो करके और ये अन्य अन्य नामों से बिकती है। अगर ये भागलपुरी सिल्क का उत्पाद और अगर इसके ऊपर मंजूषा का काम हो तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये 100% भागलपुर की ही कलाकृति है।
इसलिए भागलपुर के व्यवसायियों, सिल्क व्यवसायियों और वस्त्र व्यवसायियों और यहाँ के जो बुनकर हैं, कारीगर हैं, इन सबको चाहिए तरह से साड़ियों के ऊपर इस पर अगर मंजूषा का काम हो तो ये अपने आप में एक अद्भुत चीज होगी और पूरी दुनिया इसको जो है स्वीकार करेगी। जिस कारण से आज मंजूषा कला की कई कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। मंजूषा कला की एक सबसे बड़ी बात है कि उसमें सांप की बड़ी प्रमुखता है और एक आज के संदर्भ में अगर इस कला पर हम बात करना चाहें तो देखें कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किसी की क्षति हुई है, सबसे अगर ज्यादा किसी को हानि पहुंची है तो सांप को, सांप तो विलुप्त हो गए। और इस कला की, इस लोक कला की सबसे बड़ी मतलब प्रासंगिकता ये है कि अगर हम मंजूषा कला को जीवित करें, यानी सर्प की कला, यानी सर्पों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, तो यह मंजूषा कला जो है एक बहुत बड़ी अपनी भागीदारी निभा सकती है। विश्व के पर्यावरण के संदर्भ में हम सोचें, विश्व के जीव जंतु जिस तरह से विलुप्त हो रहे हैं, यह मंजूषा कला उस संदर्भ में बहुत जरूरी है। इस मंजूषा कला को बचाने के साथ साथ सांप को बचाना, क्योंकि ये पूरी मंजूषा कला है, वो पांच बहन जो है वो विभिन्न प्रकार के सांपों की प्रजातियां हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करें। और वो जो विभिन्न प्रजातियां सांप की समाप्त हो रही है, यह मंजूषा कला उसकी ओर एक तरह से संकेत ये करती है, ये कला कि हम किस तरह से उन जीवों को बचाएं, जिसमें महिलाओं और बच्चों को इस कला से अवगत कराया जा रहा है। ओरे पूरब है बंदौनी है बांधो उंगता सूरज है, अरे होने के चरण है बांधो सिर से लगाई है माया, और पश्चिम बंदौनी है बांधो देव कर तार है, अरे होने के चरण है बांधो सिर से लगाई है।